कार्तिक आर्यन ने किया मीडिया को ब्लेम, अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर दी सफाई। क्या वाकई मीडिया है गलत या है ये कार्तिक की कोई नई तरकीब, आइए बताते हैं। कार्तिक आर्यन फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हैं फिल्म लव आजकल की वजह से। अब लाइमलाइट में रहोगे तो कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बनना तो आम बात है। फिल्म पति पत्नी और वो में अपने रेप मोनोलॉग के लिए बैकलैश फेस करने के बाद एक बार फिर अपने स्टेटमेंट्स की वजह से बैकलैश फेस करना पड़ा कार्तिक आर्यन को। एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा था, आयुष्मान खुराना डज द फिल्म्स अबाउट मेन विद डिफेक्ट्स व्हाइल आई डू फिल्म्स अबाउट वुमेन विद डिफेक्ट्स, और ये बात लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। यहाँ तक उसी इंटरव्यू में सारा अली खान ने भी कार्तिक पर सवाल उठाया था कि वुमेन विद डिफेक्ट्स क्या होता है। उस टाइम कार्तिक ने मजाक के अंदाज में कहा कि हाँ मैं गलत, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने कार्तिक को बख्शा नहीं, उन्हें काफी ट्रोल किया गया। इसके बाद कार्तिक ने किया रिएक्ट अपने स्टेटमेंट पर। कार्तिक ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि ये कमेंट उनका था ही नहीं। कार्तिक ने कहा, कई बार न्यूज रिपोर्टिंग में इतना गड़बड़ होती है, उसमें चीजों को कट शॉर्ट करके दिखाते हैं। वी वर डिस्कसिंग अ मीम वेयर देयर वाज समथिंग रिटन एंड आई टू रिएक्टेड ऑन इट बाय सेइंग दैट आई टू हैव स्टंबल्ड अपॉन इट। It was kind of funny to notice that thing about us. I don't believe in such things. It's not me. I do not believe in such things. And it was just a light moment. We just read what was written on it and not comment on it. We didn't even talk about it. We just said what was written. Well, अब आप हमें comment करिए, बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में. Do let us know your views. तब तक stay tuned with us.